तीन पर किए ये बापा सेवा सत्र बापू जी लो मारता मारता गया गया कौन ही है लो हारा समझ में कौन आई। मैं धन के कहूँ बापू जी हुई की से इस तहसील में बनी राजस्थान में ला के धन घर बनिए तो मैंने आगे दूध मार दिया बच्चों थाना देखा गलगलावा झूठा झांसा दे जाए बा कोई तीर में हकीकत में संभव मनने लगी को नहीं क्योंकि वो मामू है संस्था को ट्रस्ट को जबकि संस्था पहल को तो संस्था ने बहाल कराओ बहाल करा के दिखा न्योरा कर दो भाई मन नहीं दे मन नहीं क्यों कर देते मैं तो भी नहीं देखा बहाल कराया मैं तो यहां कर आप हॉस्पिटल लगातार एक संस्था हूं जगह मान ली रमाना अस्पताल कर लेने दो बड़े संस्था जगह दे दीजिए और जाओगे तो हॉस्पिटल की जगह इस संस्था ले ली तो हॉस्पिटल कौन बनेगा सीधा कोर्ट जर्सी बाकी का कोई संस्था हो आगे स्थिति होनी है तो बापा सेवा सदन आओ इन विधिक तरीकों समझ गए थाने नीति तो कही जो माइक पर गए जो प्रयास कर मन में लागे ऊपर नहीं ट्रस्ट को मान लो संस्था को मान लो अगर जो कोई आपने खून में जोर गिरा हुआ इंजेक्शन दे गए तो बापा सेवा सदन टिको चढ़ गयो बीपी हाई हो गयो मतलब को नहीं है बात बा करनी बापा साहब कहो संविधान के साथ उचाल लो है तो जोश में नहीं संविधान में है क्यों की। अभी गांधी चौक में भवनलाल जी के जो बेटे केसरी चंद शर्मा ने उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कोई हालत में छात्रावास चालू नहीं होगा कोई हालत में बापा सेवा सदन चालू नहीं होगा ये गंदगी नहीं हटाएंगे। तो आप ये बताओ जब खुलेआम ऐसा कह रहा है तो हमारे समाज के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी सोचना चाहिए। ये आज 14-15 साल से सदन बंद कर दिया गया छात्रावास बंद कर दिया गया अभी भवनलाल जी 35 साल इस शेड्यूल कास्ट के वोट लेकर यहाँ राजनीति करते रहे और कुछ हमारे लोगों ने उनका साथ दिया और इस सदन को चालू करवाने की अगर उनको आगे बढ़कर बात करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने उनकी सिर्फ चमचागिरी की अपना स्वार्थ सिद्ध किया और इस सदन की कोई बात नहीं की। आप ये बार बार कहते हो कि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं तो ये हॉस्पिटल पंडित भवनलाल शर्मा के नाम से क्यों बन रहा है। ये हॉस्पिटल अगर आपको बनाना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देकर बनाइए या अनुसूचित जाति के नाम से जो अलॉट है इस जगह पर लेकिन कब बनाइए पहले आप छात्रावास चालू कीजिए आप बापा सेवा सदन स्कूल चालू कीजिए ये गंदगी साफ करिए। उन्होंने कहा है कि बापा सेवा सदन का सर्वोदय छात्रावास जल्दी चालू हो जाएगा बापा सेवा सदन स्कूल जल्दी चालू हो जाएगी और ठीक 14 अप्रैल को 3 महीने पहले केसरी जी का बयान ये था कि बापा सेवा सदन जो स्कूल है वो चालू नहीं हो सकती किसी भी सूरत में और यही उनके पिताजी का कहना था माननीय स्वर्गीय पंडित भवनलाल जी शर्मा जो हैं उनका भी यही कहना था कि बापा सेवा सदन चालू किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। केसरी जी का भी यही कहना है कि बापा सेवा सदन जो स्कूल है वो किसी भी सूरत में शुरू नहीं हो सकती चालू नहीं हो सकती। और अब जैसे हमने हॉस्पिटल का विरोध करा तो इन लोगों ने तुरंत ये आश्वासन दे दिया कि बापा सेवा सदन स्कूल और सर्वोदय छात्रावास दोनों हम जल्दी चालू करने वाले। कैसे पॉसिबल है ये विपरीत जो बातें हैं इनका कोई मेल नहीं है। 15-20 साल मान तो मार तो यार है और हर टाइम में वो मारना ही चाहे दलित वर्ग कभी आगे ना बढ़े ये बोल के स्कूल भी तो बंद होगी आगे सिस्टम में और सगा गिनानी दे दी तोहफा के रूप में आ लोग अब आगे चुनाव आ रहे अगर नहीं समझा तो एक दिन इशा होगा दलित वर्ग इस सरदार सर तहसील में गोला देगा साहब आंको बाप कह दिन राज कर लियो बहु चालू को नहीं भाई साहब कह दिए नील शर्मा को भाई है वो साफ कह दियो कह स्कूल चालू था कोनी था कोनी था जोर मारे जिया मार लिया जोर स्कूल चालू कोनी है और मारी सगली जगह बस सगली जगह खा गया स्कूल की अपना खेल मैदान वो खा गया स्कूल तो चालू कोनी है इके भाई को खुद को कहड़ो है कहते ताण मार लियो बोले स्कूल चालू कोनी है और पहली भवनलाल जी भी कहता स्कूल चालू कोनी होवे और अब ले रहा मैं वीडियो देखियो अब लोग घेर भी रखे स्कूल बिल्कुल ही चालू कोनी होवे खाली झूठी बुलावनी दे रहे बुलावनी मनाओ और एकजुट होकर संघर्ष करो आपके खिलाफ। जो भी भाई है वो कृपया वार्ड नंबर 18-19 की तरफ देख के इनको चुने ये सरदार शहर के सबसे बड़े भूमाफिया है अनिल पंडित भवनलाल शर्मा इन्होंने न जाने कितनी जमीनें हड़प ली SC ST की यहाँ तक कि हॉस्टल तक आ तक हड़प लिए और कह रहे हैं कि वापस यह सदन चालू कर देंगे कहाँ करेंगे लिखित आदेश लेके आए आज तक कभी है सरदार शहर की जनता को सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन कह रहे हैं विधायक जी हम यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे हमारे नजदीक ही जो सूबेदार की टंकी के पास हॉस्पिटल है वहाँ 6 महीनों से 2 डॉक्टर नहीं है